अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आफरीन और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मोमोज़ की चटनी की रेसिपी, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाले टेस्ट में। आजकल मोमोज़ खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन जब तक चटनी मज़ेदार ना हो तो मोमोज़ खाने में मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल बाज़ार जैसे मोमोज़ चटनी आप घर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है, साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 ग्लास पानी फुल भर के, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैंने 9 लाल मिर्च लिए हैं, यहाँ पे ये तीखी लाल मिर्च ली है मैंने। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप इसकी जगह 5 लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं तो आप 15 से 20 ले, और इसे कम से कम मैं उबाल लूँगी, बॉईल कर लूँगी 10 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने इसे 10 मिनट तक बॉईल कर लिया था। तो अब यहाँ मैं हरी मिर्चों को और ये टमाटर को एक बर्तन में निकाल लूँगी। हाँ, मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसकी स्किन इजीली रिमूव हो रही है, आप इसका कवर उतार सकते हैं, मैंने गर्म ही निकाल लिया था चिमटे की मदद से। आप चाहे तो इसे ठंडा करके भी इसका छिलका उतार सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, मैंने ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच, मतलब 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें तेल ऐड किया है, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 15 से 16 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और 1 इंच का अदरक लिया था, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। और इन दोनों चीज़ों को मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। 1 से 2 मिनट के बाद ये जो पेस्ट तैयार किया था मैंने, इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। इसमें जार में थोड़ा सा रह चुका था, तो जार को मैं इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच ब्लैक सोया सॉस लिया है, वो ऐड कर दूँगी, और 2 चम्मच ऐड करूँगी विनेगर, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर लिया है मैंने, थोड़ा सा वो ऐड कर दूँगी, 1 से 2 पिंच के करीब, 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़, अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नहीं यूज़ कीजिए, पर यहाँ मैंने नॉर्मल मिर्ची का इस्तेमाल किया था, तीखी वाली का, तेज़ वाली का। साथ ही इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून ही मैंने शुगर ऐड किया है, शुगर आप ज़रूर ऐड कीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अजीनोमोटो सॉल्ट, ये चाइनीज़ नमक होता है, अगर आप चाहे तो इसे ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है, बिना इसके भी बहुत अच्छी बनती है चटनी। अगर आप अजीनोमोटो नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लें, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हार्मफुल होती है। तो यहाँ मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया था क्योंकि मुझे वो पसंद है, और यहाँ पर मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए बना लिया था, चटनी को 2 मिनट के लिए पका लिया था। तो यहाँ ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, देखा कितनी सिंपल सी रेसिपी है, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली रेसिपी मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।